करना सीखा था अननोन रेजिस्टेंस। कैसे करते थे जल्दी बोलो, कि एक गैप में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक गैप में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस। नॉन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें से जो भी की को हम प्लग आउट करेंगे वो वाला नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना था, जॉकी को लेके ना उस वायर पे स्लाइड कराना था, वायर पे धीरे 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 स्लाइड कराते हुए अपन को क्या देखना था, नल पॉइंट। जैसे ही नल पॉइंट आ जाएगा तो हम कह सकते हैं दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम बोलेंगे आर वन बाई आर टू मस्ट बी इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। तो हमें सबकी वैल्यू पता होगी, और आर थ्री और आर फोर को हम लोगों ने कैसे लिखा था, एल वन और हंड्रेड माइनस एल वन के टर्म्स में। बात समझ में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। सुनना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरी 110% आता है, और पूरा आता है 3 मार्क्स का, कभी कभार कॉन्सेप्चुअल भी आता है। तो कोशिश करना पूरा का पूरा डिटेल में समझाने की, आप भी थोड़ा सा अटेंटिवली पढ़ने की कोशिश करना दिमाग में। अभी बैठ गया तो बैठ गया, मैं फिर कह रहा हूँ बाद में नहीं समझ में आता कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर वायर फिर भी थोड़ा ईजी पड़ता है। सिंपल सी बात बताओ, सर्किट थ्योरी का यूज करेंगे पूरा। मैंने बोला ये मेरे पास एक बैटरी है, बहुत सिंपल सी बात बताया, ये मेरे पास एक बैटरी और यहाँ पर है ना बच्चों, हमने एक वायर लगाई। अच्छा, मीटर वायर ब्रिज में क्या देखा था, 1 मीटर की वायर है, यहाँ पर है ना 4 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। सिंपल, अभी मान के चले कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। जल्दी बताओ, ये दो पॉइंट्स है बच्चों, ये दो पॉइंट्स है जहां पर हम लोगों ने वायर लगाई है। तो अगर मैं इसको जीरो इसको भी मानूं तो ये भी जीरो हो गया, ये भी बी हो गया, यहाँ यहाँ बोलो सभी बच्चे बोलेंगे। अब इस वाली वायर के अक्रॉस देखो, इस वाली वायर के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, कितना वी, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, ध्यान से सुना। अभी जो कि हमने सबसे अच्छी बात क्या बोली है, हमने बैटरी में ही मानी, हमने बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ की टर्म्स में नहीं लिखा, हमने क्या बोला सेल का पोटेंशियल हमें गिवन है, और ई अगर गिवन होता तो क्या मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना होता। इधर देखो ना, अगर मुझे ईएमएफ गिवन होता तो क्या मुझे आर भी लिखना होता। ईएमएफ क्या होता है, इनपुट, बी क्या होता है आउटपुट, सब बोल गए बच्चे। अभी 3 दिन पहले की बात है कि 15 जून का कार्य करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक एक चार्ज को लेके जाने के लिए, तो वो कहलाया जाता है ईएमएफ। जो हमें 10 जून मिलता है वो बोला जाता है पोटेंशियल। सब मंडे को देखो, अभी देखो, अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला, मैंने एक बैटरी के अक्रॉस एक वायर लगाई जिस वायर की लेंथ है एल। यहाँ पर ना एक टर्म डिफाइन की गई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर के अक्रॉस, लेंथ ऑफ दी वायर है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने एक जगह और पढ़ी थी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। किसी भी एक वायर के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया, उसकी लेंथ हमें गिवन है। जल्दी बोलो क्या पढ़ते थे हम लोग, तो हमने क्या बोला इसके अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर हमने एक टर्म डिफाइन की गई बच्चों जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर, याद रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर। डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दी वायर, डिवाइडेड बाय सिंपल। बात समझ में। अब जो कि ये वाली वायर है तो इस वाली वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखो इस पॉइंट पे जल्दी बताओ पोटेंशियल कितना है, जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चला लेंथ बढ़ी, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना गया, तो बुक्स में लिखा रहता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कोई दिक्कत वाली बात, तो वी को हटा के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के डिवाइडेड बाय तो v by l this is equals to k, और k क्या होता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फिजिकल क्वांटिटी आप पहले भी कहीं पढ़ चुके हो, ये सब e, e परफेक्ट, e क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, e क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये पोटेंशियोमीटर जो होता है ना पोटेंशियोमीटर, अब जैसे कल आप लोगों को मैंने वो दिखाया था ना बच्चों, आराम से सुनो, जैसे कल हम लोगों ने वो दिखाया था एमीटर गैल्वेनोमीटर, ऐसे ही होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या काम करता है,
वोल्टमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, बट हम इसका भी यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कौन ज्यादा एफिशिएंट होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। बट हम क्यों वोल्टमीटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है ना, जैसे ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर थे, बहुत बड़े थे बहुत छोटे थे, कहीं पर भी उठा के लेके चले जाओ। अब जो ये होता है ना, ये जैसे आप लोगों ने मीटर वाइल ब्रिज देखा था, सेम एक मीटर का फट्टा होता है, पूरा सेटअप होता है, बैटरी होती है, सब कुछ होता है, तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ तो कन्वीनियंट नहीं होता। तो अगर हम 2-4% के एरर को काउंट कर सकते हैं तो अपन वोल्टमीटर के साथ जाएंगे। अगर हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो अपन इसके साथ जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात? अब सिंपल से एक बात बताओ, इसके साथ मान लो, अब ये क्या यूज करने के लिए काम आता है बच्चों, इससे हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो ईएमएफ ऑफ द सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और यहाँ से कैसे कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो बताता हूँ, न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी। इधर देखो, मैंने बोला ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ये मेरे पास एक सेटअप है पोटेंशियोमीटर का, सिंपल खत्म। और हमें यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वी बाय एल, कितना होगा, कितना होगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक चीज सुनो मेरी बात, जब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे निकालना होगा। ये निकालने के लिए सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है हमको। अगर ये निकालना आगे ना, ये समझ लेना पोटेंशियोमीटर के आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल खत्म है। बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि चलो हमें के गिवन है, लेट्स से के गिवन है, ठीक है, हमें के गिवन है। अब अगर हमें के गिवन है तो क्या इस पूरी वायर में किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? देखो, यहाँ से यहाँ तक की अगर मुझे लेंथ पता लग गई, एल, एल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए, ये बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, तो क्या मुझे वी ए सी पता लग जाएगा बच्चों? वी ए सी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट। नहीं आया? यानी आपको क्या करना है, इस पूरी वायर में लेंथ पता लग जाएगी, लेंथ उसी से पता लगेगी, यहाँ पे एक मीटर वायर रहता है, पूरा का पूरा एक मीटर की वो रहती है स्केल, जहां पर भी नल पॉइंट आ जाएगा वही सेम प्रोसेस जो देखा था। अब क्या करना, हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो चलो ईएमएफ को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमने एक बैटरी लगाई जिसका भी ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना, मान लो ई, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। फिर क्या करो बच्चों, वही गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट करो और दूसरा है जोकी के साथ कनेक्ट करो। चलो ये जोकी, अब क्या करो, इस वायर पे धीरे 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 क्या करो, स्लाइड करो। स्लाइड करते हुए क्या कैलकुलेट करना है, नल पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, सोच। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, लेट्स से जे, ये जे वो वाला पॉइंट आ गया जहां पर हमारे पास डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, जीरो। यानी यहां पर गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो करंट। अब ध्यान से सुन, अगर इस वाली वायर में करंट नहीं है, इस वाली वायर में करंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस का होना ना होना वन एंड द सेम थिंग नहीं आया। सिंपल सी बात बता, अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी सब बच्चे बोलेंगे जीरो। इसका माइनस से प्लस, प्लस कितना, ई। अब इसमें करंट है क्या, नहीं, करंट तो है ही नहीं, तो ये भी ई है, तो ये भी ई, तो ये भी ई, तो इस वाले पॉइंट का ईएमएफ कितना हुआ, नहीं आया, पक्की बात। अब देखो इसका ईएमएफ ई हो गया ना हमारे पास, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, भाई लेंथ हमें पता लग जाएगी, लेंथ को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, k, तो v दिस इज इक्वल टू e, और v की वैल्यू कितनी है बच्चों, k into से कर खत्म आंसर। मतलब कोई दिक्कत, एक चीज हो जाता है, याद करो आप लोगों को मैंने तीन चीजें बताई थी कि या तो बैटरी चार्ज हो रही होगी, या बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, या देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता तभी हम बी को ई के बराबर रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए वो वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया जहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके अक्रॉस
यहां से लगा है पार्शियल के लिए वाला मतलब 0 0 प्लस माइनस प्लस e, तो इसका हर पॉइंट e पर, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ कितना है e, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल भी कितना है v, v की वैल्यू k into l, अगर करंट फ्लो नहीं करा तो e और v दोनों बराबर है, तो e की वैल्यू v, e की वैल्यू v के बराबर और v की वैल्यू k into l, तो ईएमएफ कितना आ गया नहीं आया पक्का देख इधर ध्यान से रहा बिल्कुल बेसिक से बताता हूं बेटा पोटेंशियोमीटर में ना पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने क्या देखा है कि V by L क्या होता है बच्चों चलिए सबसे पहले K कैलकुलेट करना सिखाता हूँ ना हाउ टू कैलकुलेट की आप सुना ध्यान से आपके लिए ना देखो ये एक बैटरी मिलेगी इसको अभी इनोड दे दो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बोल दिया मैंने और ये दो टर्मिनल्स हो गए मेरे पास टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इस टर्मिनल ए और बी में हम लोगों ने एक वायर लगाई बच्चों जिस वायर की लेंथ है एल और इसका खुद का रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस हमने माना आर ए बी अभी नीचे क्या लगाना हमें उससे कोई मतलब नहीं इसको हम लोगों ने नाम दे दिया प्राइमरी सर्किट क्या नाम दिया बच्चों प्राइमरी सर्किट अब याद रखना के कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें प्राइमरी सर्किट की जरूरत होगी अब के है क्या V by L. Now, what is this V? Potential difference across wire. Potential difference across wire. यानी सिंपल सी बात है मुझे यहाँ से यहाँ तक का potential difference चाहिए वो ये V कहलाया जाता है. Divided by इस length of the wire को कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात बताओ. मान लो इस wire का resistance हम लोगों ने मान लिया R A B. तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक पार्शियल केबल लगाओ मान लो सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है मान लो सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है जल्दी निकालो बी ए से स्टार्ट करेंगे बीबी तक आएंगे जल्दी बोलो बी ए प्लस माइनस माइनस आई इनटू आर ए बी नहीं आया पक्का अब सिंपल चीज बताओ मुझे तो बी ए माइनस बीबी चाहिए बोलो कितना आ गया आई आर ए बी रखो बेटा यहाँ पर तो k की वैल्यू क्या आ गई i into r a b divided by l अब i कैसे पता लगे बताओ यहां पे i निकाल सकता हूं इस सर्किट में इस पॉइंट से स्टार्ट करो और घूम के इसी पॉइंट पर आ जाओ अप्लाई KVL इन दिस सर्किट क्या इन दिस लूप अप्लाई KVL जल्दी करो अप्लाई KVL बोलो जल्दी da प्लस माइनस माइनस i r a b प्लस से माइनस माइनस आई इंटू आर माइनस से प्लस प्लस ई नोट दिस इज इक्वल्स टू बी ए ने बी को मारा ई नोट को इधर रखो आई वाली टर्म्स को इधर लेके आ जाओ आई कॉमन ले लो नीचे आ गया क्या ए नोट दिस इज इक्वल्स टू आर ए बी प्लस आर दिस इज इक्वल्स टू आई नहीं आया अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पे रख दो जल्दी बोलो बी ए माइनस बी बी क्या बना बच्चों देखो e नोट डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर इनटू आर ए बी ये तो बी ए माइनस बी बी बना बच्चों अपन को तो k चाहिए k के लिए क्या करो नहीं आया बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसको याद रखो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रोल में आने वाला है क्योंकि अगर मुझे k पता लग गया तो कहीं पर भी इस वाली वायर में अगर मैं ये पता लगा पाया कि इस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन आता है तो मुझे तो बस लेंथ ही तो मेजर करनी है लेंथ को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उन दो पॉइंट्स के बीच का क्या मिल जाएगा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया पक्का अब बोलो कैसे करूँ जल्दी बोलो क्या करूँ ये के की वैल्यू आ गई याद रखना इसको के क्या है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट और इस वाली बैटरी को बोलते हैं हम ड्राइवर सेल ड्राइवर सेल चलो तो फॉर्मूला याद रखो ई नोट इंटू आर ए बी बाई आर ए बी प्लस आर इंटू एन नोट है अब सर्किट पे आओ जो अभी अभी कराया था हमने माना ये 40 वोल्ट ये हमने माना 2 ओम यहाँ का रेजिस्टेंस हमने माना था 8 ओम लेंथ हमने मानी थी 10 वोल्ट 10 मीटर जल्दी बताओ फाइंड के की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी के की वैल्यू निकालिए जल्दी अभी इतना क्या सोचना है ई नोट की वैल्यू 40 है 40 इंटू 8
डिवाइडेड बाय 10 इनटू 10 40 इनटू 8 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 10 यस सर 3.2 वोल्ट पर मीटर नहीं आया। 3.2 वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या है कि हर एक 3.2 मीटर की लेंथ में एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा नहीं है। इधर देखो ये क्या है यहाँ पर 40 into 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 ये क्या वोल्ट पर मीटर है ना बच्चों, यानी 3.2 वोल्ट पर मीटर आया ना, यानी हर एक मीटर की लेंथ अगर यहाँ से यहाँ एक मीटर चलोगे तो देखो इधर से इधर वोल्ट मतलब चलते हुए पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इधर से इधर आते हुए पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अगर आप एक मीटर का डिस्टेंस चल रहे हो तो 3.2 का पोटेंशियल या तो डिक्रीज हो जाएगा या आएंगे समझ में पक्की बात बोलो इतना समझ में। ये है हम लोगों के लिए वी कैलकुलेट करना। तो आपके लिए के कैलकुलेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। के लिए क्या करना है हमेशा प्राइमरी सर्किट नीचे कोई सर्किट लगाओ या नहीं लगाओ दैट इज द सेकेंडरी एस्पेक्ट कि हमसे क्या पूछा गया, बट सबसे पहले हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब के अगर समझ में आ गया तो अब एक क्वेश्चन करते हैं बहुत कॉन्सेप्ट छोड़ आ जाओ। दोनों केसेस में एल की वैल्यू निकालो, सबसे पहले के निकालो, के कितना है 3.2 yes, सेम तो डेटा है yes, के कितना है 3.2 तो दोनों के लिए के की वैल्यू 3.2। अच्छा एक बार बताओ अगर ये 0 वोल्ट मान लो तो ये तो 40 वोल्ट हो सकता है ना yes, हाँ तो ये 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ से यहाँ चलो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोलो के इंटू एल बोले तो 32 वोल्ट नहीं आया भाई ऐसे क्या देख रहे हो यहाँ से यहाँ 32 वोल्ट आ गया ना खत्म बहुत बढ़िया। इधर देख सेम यहाँ पर भी वही है ये 0 ये वाला 40 तो ये 0 तो यहाँ से यहाँ अभी भी 32 वोल्ट अच्छा ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट 0 है करंट 0 अच्छा करंट 0 का मतलब क्या है ये 0 ये माइनस से प्लस तो ये 10 वोल्ट आर की वैल्यू है फायदा है कुछ जब करंट 0 है सर इस वाली वायर में आई 0 है तो आर का होने ना होने का कोई यूज नहीं है। अब एक बार तो यहां से यहां तक आप कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हो 32 वोल्ट कितना सब बोलो 32 वोल्ट बैटरी कितनी लगाई है तो बताओ 0 पॉइंट बीच में आएगा नहीं आएगा भाई इस वाली वायर के अक्रॉस आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो 32 वोल्ट भाई 0 से 32 है ना और आप लोगों ने बैटरी कितनी लगाई तो आंसर बताओ बीच में नल पॉइंट का डिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा इसमें देख 0 माइनस 10 ओहो हो वोल्ट कितना अभी भी 32 वोल्ट ले सकते हो बट माइनस 10 आएगा क्या बीच में नहीं आएगा तो ये कनेक्शन पॉसिबल अब चीजें समझो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपको लगा देंगे बैटरी देख बैटरी भी मैं कह रहा हूँ अरेंजमेंट देखो कैसे लगाई दोनों सर्किट इसलिए पैनल बनाए डिटो सेम बस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लोअर के साथ हायर चेंज कर दी जो ये नीचे सर्किट लगाएंगे ना इस सर्किट को बोलते हैं हम सेकेंडरी सर्किट
सबसे पहले बेसिक रूल क्या समझ में आया आपको कि पहली बात तो सबसे पहले अरेंजमेंट सेट होना चाहिए। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, इसका लोअर तो इसका भी लोअर, इसका हायर तो इसका भी हायर। अगर पोलैरिटी चेंज कर दी तो देखो आंसर पॉसिबल होगा नहीं, नल पॉइंट बीच में आएगा नहीं। कई बच्चों ने तो निकाल दिया होगा आंसर, नल पॉइंट बीच में आएगा तो सबसे पहले अरेंजमेंट को चेक करो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, हमारी बुक्स में ना एक बेसिक रूल लिखा है, क्या लिखा हुआ सुनो, कि जो ये ड्राइवर बैटरी है ना, ये जो ड्राइवर बैटरी है ये इससे बड़ी होनी चाहिए, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी ये सर्किट काम में करेगा। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ और ईमानदारी से जवाब देना कि सर्किट काम में करेगा नहीं करेगा। सेम है देखना, इसको मैं 40 लेके चल रहा हूँ, दिस इज 40 वोल्ट, सेम वही 2 ओम, सेम वही 8 ओम। अब जो ये बैटरी है ना बच्चे, ये मैंने मान ली लेट्स से 35 वोल्ट, ये 11 ओमीटर। आप बताओ ये सर्किट काम करेगा नहीं करेगा? भाई बुक में लिखा है कि जो आपके पास ड्राइवर बैटरी है ना वो इस वाली बैटरी से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने देखा ये 40 ये 35 वोल्ट है ना, माय क्वेश्चन इज क्या ये सर्किट काम करेगा नहीं करेगा? एग्जैक्टली क्योंकि इस वायर के अक्रॉस तो अभी भी मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए सुनो, कि जो आपके पास ये जो पैरामीटर है ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो कंफर्म है होना चाहिए, बट ये और किससे भी बड़ा होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर। इसको अगर मैं E1 मान लूं, इसको मैं E2 मान लूं, तो मैं क्या लिखना चाहिए मुझे कि E2 शुड बी लेस देन E1 एंड शुड बी लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। नहीं आया? अरे बोलो भाई। यस सर। पक्का? यस सर। पर मैं फिर कह रहा हूँ CBSE में दो दो तीन तीन नंबर के अथाह क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, पूछे जाएगा, पूछा जाता है कि भैया एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था पोटेंशियल मीटर का, उसको ना अरे मतलब रीडिंग्स नहीं आई, नल पॉइंट नहीं दिखाई दिया, क्या क्या चीज़ें दिक्कत हो सकते, कौन कौन से वो ड्रॉबैक्स है जो उसको ओवरकम करने चाहिए। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, ये पोलैरिटी हो सकता है उसने पोलैरिटी रिवर्स कर दी हो पहला। दूसरा ड्रॉबैक ड्राइवर बैटरी तो बड़ी होनी चाहिए अनडाउटेडली, बट और क्या बड़ा होना चाहिए सर्किट की अच्छी मतलब सही रिजल्ट आने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर शुड बी ग्रेटर देन दी सेकेंडरी बैटरी। अगर ऐसा हुआ तो पोटेंशियोमीटर काम करने वाला और एग्जिट रीडिंग आएगी। नहीं आया आपको समझ में? मैं ये कह रहा हूँ 10 से 15 सेकंड देखो बोर्ड को एनालाइज करो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो पूछो।